ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फोटो अच्छी आएगी तीन पत्र लग रहा है जो भी उसको टाइट कर देना, अभी कर देंगे। अब हमको इनको फोन करना पड़ा। एक्चुअली मैं जम्मू में था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा फोन में हाथ जा रहा है, लेकिन स्टाफ को तो काम करना चाहिए। वो मना करते कि नहीं, गाफ भी बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। अब अगर आर एम साहब हमारे पहचान में ना होते, हम डिस्ट्रीजन ना होते, हमारा गाफ भी बनता तो आपकी छवि खराब होती है। आज जो है लोक अदालत का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, क्या कुछ किस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं सामने? जी हाँ, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज 9 दिसंबर को इस वर्ष 2023 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे बैंक के और गेल जो गैस अथॉरिटी के केसेस हैं, उसके अलावा हमारे कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस, वो रखे गए हैं। कुल 6000 ऐसे केसेस हैं जो राजीनामा योग्य हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं, उनको हमने रखा है 6000 केसेस को राजीनामा योग्य में। और उनमें से कितने मामले निपटते हैं वो देखना पड़ेगा। 7000 करीब हमारे प्रीलिटिगेशन के मामले हैं। प्रीलिटिगेशन मतलब कि जो मामले कोर्ट में नहीं आए हैं, कोर्ट से पहले जिनमें राजीनामा हो जा रहा है, जिनका आपस में मेल मिलाप के द्वारा जो है समझौता हो रहा है और निपटारा हो रहा है, तो ऐसे मामले 7000 हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो केसेस हैं, काफ़ी संख्या में केसेस हैं, काफ़ी उत्साह है। और हमारे बैंक के ऑफिसर्स, बाकी विभाग के, नगर निगम, यहाँ से काफ़ी उत्साह। नगर निगम में पिछली जो रही रिकवरी रही है, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार हमारा रिकॉर्ड तोड़ जो है रिकवरी का रहेगा नगर निगम से। बैंक के भी काफ़ी केसेस निपटते हैं, तो लोगों में उत्साह भी है। और लोक अदालत अब लोगों में धीरे धीरे इतनी प्रचलित हो गई है, इतना उनको लाभ मिल रहा है, तो उस कारण से लोगों में लोक अदालत में ज़्यादा उत्साह के साथ भाग लेने की जो है रुचि हमने देखी है। हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी संख्या में हमारे मामले निपटेंगे। सर, कुटुंब न्यायालय में भी कोई प्रकरण आ रहे हैं? कुटुंब न्यायालय के मामले भी हैं, और कुटुंब न्यायालय के अब चूंकि पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर हैं, तो उनका चार्ज दूसरे न्यायालय को दिया गया है, तो वहाँ भी पारिवारिक मामले जो है हमारे निपटेंगे। और काफ़ी संख्या में मामले निपटने की कोशिश है। लोगों का उत्साह देखते हुए लगता है कि इस बार अच्छा रहेगा।